हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़े, वो भी चटपटी आलू की स्टफिंग के साथ, जिसे मैंने बिना डीप फ्राई किए हुए बनाया है। क्योंकि डीप फ्राई करने से ब्रेड पकौड़ा बहुत ज़्यादा तेल अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए मैंने इसे तवे पर बनाया है एकदम 2 से 3 चम्मच तेल के साथ। और ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा आप पकौड़े तलकर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक पैन में तेल डाला है और अब डाल रही हूँ जीरा और हींग। इसे तड़कने देंगे और अब इसमें मैं डालूंगी अदरक और इसका कच्चापन खत्म होने तक इसे पका लूंगी। और अदरक को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए हरी मिर्च, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं या लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अदरक के साथ 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें मसाले डालने शुरू किए हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ आमचूर का पाउडर। गैस का फ्लेम ऑन करके इसे मिला लेंगे। मसाले जल ना जाए इसलिए चलाते रहें और बस 1 से 2 सेकंड के लिए हमें मसालों को तेल में चला लेना है। और इसमें अब मैं मिला रही हूँ उबले हुए आलू। आलू को मैंने हल्के से हाथों से तोड़कर डाला है और अब इसे स्पैचुला से दबा दबा कर चला रही हूँ। और अब मैसर की सहायता से मैं इसे अच्छे से स्मूथ कर लूँगी, क्योंकि हमें इसे ब्रेड में स्टफ करना है तो इसके बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं मैसर से इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से आलू सारे मैश हो गए हैं। तो अब मैं इसे बस 2 से 3 सेकंड के लिए और भूनूंगी, क्योंकि हमने अभी तक नमक ऐड नहीं किया था। तो अब मैं आलू में स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसे भून लूंगी। स्टफिंग हमारी तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम बेसन का एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1.5 कप बेसन लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, भुने हुए जीरा का पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स और अजवाइन। अजवाइन को इसी तरीके से हाथों से क्रश करके हमें बेसन के घोल में मिलाना है और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको मिला लेते हैं और पानी की सहायता से इसका हमें थिक सा बैटर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इसी तरीके से पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। बेसन के घोल को हमें रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं ब्रेड के स्लाइस पे तैयार किया हुआ जो हमारा स्टफिंग है उसे स्प्रेड कर रही हूँ। तो सभी तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है और दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसे कवर कर रही हूँ हाथों से अच्छे से प्रेस करके। और अब बस इसे बेसन के घोल में हमें डिप करना है। तो अब मैं स्टफ किए हुए ब्रेड को अच्छे से बेसन के घोल में डिप कर रही हूँ। सभी तरफ से अच्छे से बेसन के घोल को लगा लेना है। एक तवे पर मैंने 2 चम्मच तेल लगाकर इसे फैला लिया है और इसी गरम तवे पर मैं रख रही हूँ तैयार किया हुआ ब्रेड। और ब्रेड को ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है, अच्छे से पलट देंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हम सेकेंगे। ब्रेड के दोनों साइड को तो हमने सेक लिया है अच्छे से और अब इसके साइड्स को हम सेकेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोंग या चिमटा, जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास टोंग था तो मैंने टोंग की सहायता से इसी तरीके से घुमा घुमा कर इसे चारों तरफ से सेक लिया है
क्योंकि तवे में तेल बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने 2 बूंद तेल साइड्स को सेकने के लिए डाला है। दो से 3 सेकंड आपको लगेंगे इस ब्रेड को सेकने में। ब्रेड हमारी सिक गई है, थोड़ा सा और कलर आ जाए। अच्छा कलर आ गया, ब्रेड हर तरफ से सिक गया है, तो अब इसे तवे से हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सिर्फ 2 चम्मच तेल से ये ब्रेड सिककर तैयार हुआ है। इसके साइड्स आप देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये थी आज की ब्रेड पकौड़े की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।